तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे। दोस्तों, आज डेट की बात करें तो 9 मार्च 2023 और SSC CHSL का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है, फर्स्ट शिफ्ट का। मेरे साथ कैंडिडेट हैं, उनसे हम जानेंगे एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, पैटर्न कितना था, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, SSC CHSL का एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, उन सभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ आपको एक लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाके फ्री में मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। जाइए और फ्री में मॉक टेस्ट लगाइए। कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किया आप? सर, मैंने 69 अटेंड किया। 69। अच्छा, और सेक्शन वाइज हम थोड़ा बात करेंगे तो जीएस के बारे में बात करें तो कितना क्वेश्चन आया, कितना अटेम्प्ट किया जीएस में? जीएस में सर मेरा 17 क्वेश्चन अटेंड किया। हाँ हाँ, और 17 क्वेश्चन में सर जैसा वेटेज ज़्यादा था कॉन्स्टिट्यूशन से। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन अदर देश का भी पूछ रहा था कि उस टाइम पे नेपाल का क्या था, भूटान का क्या था कॉन्स्टिट्यूशन में। आप तो कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन बताइए कॉन्स्टिट्यूशन वाला। हाँ? एक सर पूछा हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन के समय जब संविधान लागू हुआ था तो जो दूसरा जो अटैक करता है उस पे जो विरोध करने का या कार्य क्षमता के ऊपर जो है उस पर एक क्वेश्चन था। अच्छा, और आर्टिकल और संविधान संशोधन कोई अनुच्छेद से ही पूछा गया था, आर्टिकल से ही पूछा गया था। और क्वेश्चन सर फिर फीफा से पूछा गया था। क्या था क्वेश्चन? फीफा में पूछा गया था 2023 में कौन सा देश लेडी का पूछा था, विमन फीफा में जो मतलब उसमें कौन मतलब उसमें करवा रहा है। और आपका फिर उससे हो गया था। और कुछ इजी क्वेश्चन भी थे, जैसे कि आपका लोकल का पूछा था, 2022 का अपडेट पूछा था। एक परीक्षण के ऊपर था, एक आपका परीक्षण के ऊपर था, एक आपका ये क्वेश्चन हम भूल रहे हैं, कोई और नदी पर्वत पहाड़ से कोई क्वेश्चन? नहीं, नदी पर्वत से कोई सवाल नहीं था। अच्छा, करंट के बारे में बताया तो करंट का क्या कितना था? करंट स्टेटस में एक पूछा था जिसमें पूछा गया था कि शायद गुजरात उसमें था, करंट इसी ईयर का था या फिर 22 का था। अच्छा, उसमें था सर जो ये आपका टेक्नोलॉजी से पूछा हुआ था। हाँ, टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन था। हाँ, जो आपसे पूछा था कौन सा राज्य उसको लागू किया है। हाँ, ठीक है। अच्छा, शायद ये अच्छा, सर मोबाइल रिलेटेड था एक क्वेश्चन, वो था। हाँ, हाँ, टेक्नोलॉजी से। अच्छा, और फीफा वाला एक क्वेश्चन बोले, वो क्या था क्वेश्चन? फीफा क्वेश्चन पूछा गया था कि 2023 में फीफा वर्ल्ड कप जो है वो कौन आयोजित करेगा, विमेन वाला। अच्छा, विमेन वाला पूछा था, ये थोड़ा सा कर दिया था। अच्छा, और कितना क्वेश्चन रहा करंट अफेयर का? करंट अफेयर्स का सर मैंने तो 17 बनाया। करंट अफेयर का सिर्फ सेक्शन कितना? करंट अफेयर्स का ज़्यादा वेटेज नहीं था। हाँ, फिर आप करंट का हमको लगा 2-3 क्वेश्चन हमको दिखा। हाँ हाँ, जिसमें से ये अटेंड किया। और फोर्थ सेक्शन था तो सर फोर्थ सेक्शन को जाने वाले हम सेक्शन वाइज सॉल्व कर रहे थे, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा नहीं था। अच्छा, और मैथ के बारे में क्या बोलेंगे? मैथ इजी था। कितना अटेम्प्ट कर लिया मैथ में? मैथ में सर मेरा 21 गया। 21? या अच्छा अच्छा, कुछ क्वेश्चन बताइए मैथ का। मैथ का सर ये था साइन कोस थीटा वगैरह से, ट्रिग्नोमेट्री से था। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पे था। हाँ, सर्कल से आपका सर्कुलर से दो क्वेश्चन था। अच्छा, ठीक है, सर्कुलर से था। उसके बाद किस टाइप का क्वेश्चन था? सर्कल फॉर्मूला बेस्ड था या फिर दो मेंसुरेशन वाला? नहीं, दो सर्कल दिया हुआ था, उसका त्रिज्या दिया हुआ था, रेडियस दिया हुआ था और उसका स्पर्श रेखा पूछा था। अच्छा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ था 25 सेंटीमीटर, वो हो गया। और एक आपका फॉर्मूला पे था जिसमें एक पहिया घूम रहा था, वो भी सर्कल के सर्कुलर रिगार्डिंग था। अच्छा, अच्छा, कि पहिया दिया हुआ था उसका सिर्फ रेडियस दिया हुआ था, टू पायर निकालना था, और टोटल दिया हुआ था उसको डिस्टेंस कितना मीटर करना है। अच्छा, अच्छा, 800 मीटर था, वो पे टू पायर लगा के बन गया वो। ओके, और टाइम ऑन डिस्टेंस और वर्क से कुछ नहीं? नहीं, कोई क्वेश्चन वर्क से एक पूछा हुआ था, दो लेडी थी मीना और नीना का पूछा था कि 1/8 टाइम में, 1/9-10 में हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो दोनों का सही सैलरी दिया हुआ था, पेमेंट टोटल पेमेंट दिया हुआ था, उसमें से किसको कितना मिलेगा। अच्छा, वो था प्रॉफिट लॉस और रेशियो प्रोपोर्शनल से? रेशियो प्रोपोर्शनल से नहीं था, प्रॉफिट लॉस से था। विक्रेता दो क्वेश्चन था उसमें, जिसमें दुकानदार वाला ही था, शॉपकीपर ही था। अच्छा, वो बेमान दुकानदार वाला क्वेश्चन? नहीं, बेमान वाला नहीं था। इसमें टोटल जो मतलब वो रुकी क्वेश्चन बताते हैं आपको था आपका। हाँ, पहले वो छूट देता है, ठीक है, टोटल उसका जो दिया हुआ है वो मतलब CP था जो था। हाँ, उसमें फिर उसमें वो छूट देता है आपका 40% का। हाँ, 40 रुपये का छूट देता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद रुपीज़ में था, उसके बाद बता के टोटल में इसको 25% का अब लॉस हो रहा है छूट देने के बाद। अच्छा, अच्छा, तो इसका क्या बोलते हैं CP क्या था, कॉस्ट अच्छा, प्राइस क्या था, और डिस्काउंट था कुछ क्या? नहीं, वही एक था, एक ही था क्वेश्चन। हाँ, एक ही था। अच्छा, और इंग्लिश के बारे में क्या कहेंगे? इंग्लिश में सर फिलर बहुत अच्छा था। हाँ, लास्ट 5 क्वेश्चन तो था, वो तो सर इजीली बना देगा, कोई भी बना देगा। अच्छा, सिर्फ
आपका ये क्या बोलते हैं कृषि से था, कृषि वाला था, स्टेटमेंट दिया हुआ था कि प्रोडक्ट को आप मतलब जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, टोमेटो हो गया, उसको आप हार्वेस्टिंग करते हैं, वहाँ से उसको कब तक रेडी होता है, उसको पैकेजिंग में जाता है, बस इन नॉर्मल वन वर्ड था, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। और इससे कुछ साइनोएंटो को याद है कोई वर्ड? साइनोएंटो साइनो का से हाँ पूछा था, आपका डिफिकल्ट वाला पूछा था, एक था फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड था। और इसके बारे में रीजनिंग के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा वेटेज रहा? रीजनिंग में सर तीन क्वेश्चन पूछा मिरर का। मिरर से तीन क्वेश्चन था। सीटिंग अरेंजमेंट नहीं था, सीटिंग एक भी नहीं था, एक भी नहीं था। अच्छा अच्छा चलिए, और चारों सेक्शन में आपका सबसे सबसे आपको टफ और इजी कौन सा लगा? मैं तो रीजनिंग हमको इजी लगा, जीएस हमको थोड़ा सा लगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से, टफ लगा और टाइम वहाँ पे नहीं बचा तो इसलिए हम सॉल्व नहीं कर, बाकी जो नहीं बनना था वो तो नहीं बनना था। अच्छा अच्छा ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन का जो याद नहीं था, और जो फीफा वाला पूछा, वुमेन वाला पूछ दिया, इसलिए थोड़ा सा नहीं याद। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे जो, क्योंकि ये बता दीजिए आप डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके, क्योंकि आज फर्स्ट डे है तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता। डॉक्यूमेंट्स ओनली आपका एडमिट कार्ड के साथ एक कोविड वाला जो फॉर्म आता है वो आपको लेके आना है, उसके साथ आपको कोई भी आईडी कार्ड ओरिजिनल में लेके आना है, फोटोग्राफ वगैरह का कोई डिमांड नहीं है ना। अच्छा, जेरोक्स में भी कुछ नहीं लेके आना। तो वो कोविड वाला मैंडेटरी है या फिर हर एग्जाम में मैंडेटरी कर रहा है कि यहाँ मांगा जा रहा है? मांगा नहीं लाइएगा तो हो सके मांगे, नहीं तो आपका जो एडमिट कार्ड के साथ ही दिया जाता तो प्रिंट करके ले जाइए, हम तो यही बोलेंगे। जो भी कैंडिडेट अभी आने वाले हैं, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट शिफ्ट है, तो जो भी कैंडिडेट आने वाले हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे और बोलेंगे मैथमेटिक्स के जो इजी कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला सब याद रखिए तो आराम से बनेगा। अच्छा, अगर फॉर्मूला अगर आप बहुत ज़्यादा डीप में जा रहे हैं तो हम बोलेंगे कि फॉर्मूला सब याद, साइन कोस वगैरह का जो भी है फॉर्मूला सब याद कर लीजिए, तो आपका दो चार क्वेश्चन तो जो आप मिस करने वाले वो नहीं मिस होगा। अच्छा अच्छा, जो प्रैक्टिस में उनके लिए तो कुछ कहना नहीं। अच्छा, इससे पहले आप और भी कोई एग्जाम निकाल चुके हैं या फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका ये? जी नहीं, मेरा एग्जाम निकला हुआ है इसमें, आपका सीजीएल का निकला हुआ था और उसका प्री सेकंड एग्जाम देखे हैं। अच्छा अच्छा, और आपका एक सुप्रीम कोर्ट वाला दिए हुए थे। अच्छा अच्छा, वो भी निकला हुआ है? वो निकला हुआ था, उसका सेकंड का डेट अभी जस्ट किया है, जूनियर असिस्टेंट का जो था। अच्छा, इससे प्रैक्टिस कहाँ से कर रहे थे? मॉक लगाते थे या फिर ऐसे ही? मॉक लगाते थे, सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं, और हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से पहले हम क्लासेस कर चुके हैं। अच्छा, वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए भी हम अभी जा रहे हैं। अच्छा, आपका धनबाद में ही है करियर पॉइंट। अच्छा जी, चलिए, और कुछ कहना? और देखिए, आज इन्होंने अपना एक्सपीरियंस दिया और एग्ज़ाम भी दे करा है, तो आज ये पहला शिफ्ट था, तो जो भी कैंडिडेट का अगर कोई भी डाउट है, किसी तरह का कोई मन में डाउट है जो कि यहाँ के कैंडिडेट से पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो सेकंड शिफ्ट का आपका वीडियो आएगा उसमें आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई हम लोग इस कैंडिडेट से ही पूछ के आप लोगों को रिप्लाई दे देंगे। बाकी ये वीडियो आप लोगों को क्या कैसा लगा है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आता तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही आप लोगों को पल पल का अपडेट्स SSC CHSL का अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा। और जो भी आपके मन में किसी तरह कोई सवाल है जो पूछना चाहते हैं, जैसे एक बच्चे ने कमेंट किया था कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिए, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बता दिए, और जो भी आपका सवाल है एक एक करके आप लिख दीजिएगा, सारे सवाल का जवाब आप लोगों को वीडियो के एंड में जरूर मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग आप सेकंड शिफ्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।